वापस एक बार राइट में सोना चांदी तांबे सब साथ में तो करो जवान रहे हमारे बोला बोला ये इंटरव्यू के लिए बोला अभी हाँ आया ही शो के बाहर चले गए बाकी इंटरव्यू कर लेगा गुरु जी का जो कार्यक्रम चल रहा है उसके अंदर वो रामचरित मानस भगवत गीता और मुझे तो पूरी आशा है पूरा विश्वास है कि इससे सब लोगों को इस मूल नॉलेज के बारे में जानने में आसानी होगी, उसका ज्ञान होगा और उस ज्ञान से राष्ट्रवाद की शक्ति होगी। विचारधारा को याद कराते हैं, शोषित दलित आदिवासी हैं उनको सामाजिक आर्थिक आध्यात्मिक एवं राजनीतिक रूप से सामर्थ्य विश्व के साधारण रवि जहां उनके रहने खाने की कोई चावल दाल सब्जियां घी मसाले वही कह रहा भारी मात्रा में मासो परमपूज्य गुरुजी अपने चिकित्सक शिष्यों के माध्यम से पार्थिव यहां पर हैं। आज उनका आदेश हुआ कि जो तो अध्ययन के अंडर में ये जो जितने पाकिस्तानी हिंदू भाई हैं जो वहाँ से जान बचा के आए हैं उनको हम लोग सहयोग दे सके और उनको उनमें से काफ़ी लोग बीमार भी हैं जिससे कि हम लोग उनको दवाइयाँ उनके खाने पीने के खाने पीने सर्वोच्च जिससे मनुष्य अपने मन में इतर के राम तत्व को जागृत कर प्रखर राष्ट्र स्थापना करें और मार्गदर्शन में ये अभियान भारत में मध्य प्रदेश गुजरात वगैरह और हमारे पूरे हिंदुस्तान में व्याप्त है। आज हमारे बीच है
तेजिप्यमान सूर्य के समान सदैव चमकने वाली है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। ऐसे पार्श्व गायक जिन्होंने अपनी उपस्थिति से भारतीय सिनेमा कोई नहीं सारे संसार को अचंभित कर दिया है और कर रहे हैं। माननीय पद्मश्री श्री उदित नारायण झा साहब हमारे बीच हैं। सुप्रसिद्ध अभिनेत्री राजनेता जिन्होंने समाज के हर कदम पर हर पायदान पर सच्चाई का साथ दिया दे रही हैं और जिन्होंने कसम खाई है कि मैं पिछड़े वर्गों के लिए लड़ करके उनका हक उन्हें दिलाऊंगी ऐसी राखी सावंत जी हमारे बीच हैं। समाज के चौथे स्तंभ जिनके बिना हम समाज की कुछ सारे समाचार आप तक पहुंचाते हैं उनका सहयोग करते हैं माननीय अभिजीत राणे जी। ये अस्मरणीय शाम मैं बहुत ही आदर के साथ बहुत ही सम्मान परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम पूज्य राष्ट्र ऋषि लहरी गुरु जी जो अभी कुछ देर में हमारे पास आएंगे मौजूद होंगे परम आदरणीय श्री रामदास अठावले कि आपने इस कार्यक्रम के और इस फिल्म के बारे में कुछ कहें। क्या बात, अरे क्या बात, आउट है बोलिए। माननीय अठावले साहब, अभिजीत राणे जी, एक्ट्रेस, डैशिंग एक्ट्रेस राखी सावंत जी और किशोर मासूम जी, कैलाश मासूम जी और यहाँ उपस्थित आप तमाम लोगों को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। मैं बहुत अच्छा नहीं बोल सकता हूं क्योंकि हमारे ऐसे ऐसे आदरणीय लोग बैठे हुए हैं जो बोलेंगे। ऑलरेडी कैलाश जी बहुत अच्छा बोले। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि द गॉडफादर ऑफ इंडिया जो फिल्म बन रही है अंबेडकर साहब के ऊपर मेरी शुभकामनाएं हैं और ऐसे महान व्यक्ति के लिए इस तरह का फिल्म जबरदस्त फिल्म बनना बहुत जरूरी है। और मैं भाभी जी भी बैठी हुई हैं, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि इस फिल्म में आप सब लोग मुझे भी गाना गवाएं, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं एक लाइन आप लोगों को कहना चाहूंगा, अंबेडकर तेरा है बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, अंबेडकर तेरा है बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, जय भारत। मैं श्री मिलिंद लवाटी जी से कहूंगा कि मंच पर आए। श्री मिलिंद लवाटी जी, मैं श्री हरीश सहा जी से कहूंगा कि वो सुनने के लिए पूरा सदन सबको सब सुनना चाहते हैं। चलिए थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए, मैंने कहा था कि चौथे स्तंभ वो कहते कुछ नहीं है
लेकिन जब वो कहते और लिखते हैं तो समाज और देश दोनों हिल जाता है। इसे अभिजीत राणे जी को मैं कहूंगा कि माइक पर आए, श्री अभिजीत राणे जी। गॉडफादर ऑफ इंडिया या पिक्चर से या ठिकाणी आज उद्घाटन सोहळा आहे आणि या सोहळ्याकरता सन्माननीय राष्ट्र आरपीआय पक्षाचे प्रमुख सन्माननीय रामदास जी आठवले या ठिकाणी आलेले आहेत। त्याचबरोबर सुप्रसिद्ध अभिनेत्री राखी सावंत देखील या ठिकाणी आहेत। हम क्या दिखाना चाहते हैं, क्या दृष्टिकोण है, अभी आप टीजर के माध्यम से देखेंगे। परम आदरणीय रामदास आठवले जी, मंच की बत्ती बंद कर दें नहीं, जिससे टीजर देख सकें। मंच की बत्ती बंद कर दें। मिलिंद लवाटे जी आ गए हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मिलिंद, नमस्कार, जय हिंद, जय भीम, आप सबका स्वागत करती हूँ। और भगवान बुद्ध को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी, इनको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। बैठ के जाओगे। दलितों के मसीहा, उनको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और मंच पर उपस्थित सभी मेरे दोस्तों, सबको आपको प्रणाम करती हूँ। और आदरणीय आठवले साहब जी को भी नमस्कार करती हूँ। मिताली जी आपको भी, और उदित नारायण जी, सबको सबको प्रणाम करती हूँ। बहुत सौभाग्य है मेरा कि मैं आप सबके सामने यहाँ पे मंच पर हूँ और दो शब्द कहने का मौका मिल रहा है। अभी जो हमने टीजर देखा है, द गॉड फादर ऑफ इंडिया बाबा साहेब आम्बेडकर जी पर ये जो फिल्म बनने जा रही है, मैंने हमेशा सोचा था, हमेशा देखा कि शिवाजी महाराज जी पर फिल्म बनी है और सारे भगवानों पे फिल्म बनी है और लेजेंडों पे फिल्में बनी हैं। बट मैं हमेशा इंतजार करती थी कि कभी कोई तो होगा जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी पर फिल्म बनाएंगे, उनकी आत्मकथा, उनके उनका इतिहास, जो दलितों के मसीहा थे, जिन्होंने दलितों को इतना हेल्प किया, कितने पढ़े लिखे थे, उन्होंने कितना संघर्ष किया। अगर हम इंसानों के पास थोड़ा भी अगर वक्त होता है तो हमको इतिहास में वो बुकें पढ़नी चाहिए, उनकी जर्नी देखनी चाहिए कि उन्होंने कितना संघर्ष किया। मैंने ज़्यादा तो नहीं बट कुछ किताबें पढ़ी है। जब मैं आरपीआई पार्टी में मैं ज्वाइन करी, ऑल इंडिया वर्किंग प्रेसिडेंट महिला का पद मुझे मिला, आठवले साहब जी ने मुझे दिया, तब मैंने अम्बेडकर जी के बारे में सब कुछ पढ़ा तो मेरे रोंगटे जो है खड़े हो गए, मेरी आंखों से आंसू आए, मुझे इतना तकलीफ हुई कि इतने महान थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, उन्होंने कितना संघर्ष किया, दलितों के लिए कितनी मेहनत करी। बस एक ही खेद था, बाबा साहेब अम्बेडकर जी को एक बार पीएम बनने का मौका मिलता तो कमाल हो जाता, कमाल हो जाता। तो हमारे कैलाश जी, मासूम जी ने जब मुझे कहा कि मैं ऐसे फिल्म बनाने जा रहा हूँ द गॉड फादर ऑफ इंडिया बाबा साहेब अम्बेडकर जी पर, तो राखी जी आप इस फिल्म में काम करेगी, दो मिनट के लिए मुझे तो चक्कर आ गया। मैंने कहा, मैंने इससे पहले तो ऐसे ऐसी फिल्में करी है, इतनी
इतिहास वाली फिल्म मैं कैसे करूंगी, क्या करना है मुझे, मुझे दो मिनट के लिए लगा के मुझे झांसी की रानी बन के घोड़े पे बैठकर हाथ में तलवार लेके मुझे लड़ना है, दो मिनट मुझे ऐसा लगा। लेकिन जब मुझे उन्होंने स्टोरी बताई, मुझे कहा कि आपका वो किरदार निभाना है जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के साथ साथ वो किरदार चला है, उनकी दूसरी पत्नी सविता बाई का कैरेक्टर, जो कि एक डॉक्टर थी। हम गुरु जी का और महाराज जी का स्वागत करते हैं, जोर से तालियां हो जाए महाराज जी के लिए, फिर मैं अपना भाषण कंटिन्यू रखूंगी। तो जब मुझे पता चला तो मेरे, आप यकीन मानिए, मैंने ये नहीं सोचा कि पूरी दुनिया क्या कहेगी। मैंने दो मिनट के लिए मैंने सांस ली और मैंने कैलाश जी से कहा कि कैलाश जी, क्या आप, क्या ये मेरा सौभाग्य हो सकता है, क्या मैं ये किरदार कर सकती हूँ? कैलाश जी ने कहा बिल्कुल कर सकती हो गुरु जी के आशीर्वाद से और हमारे माननीय अठावले साहब जी के आशीर्वाद से। मैंने उनसे बात करी, अठावले जी ने बोला बिल्कुल तू कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती है, एक अच्छी अभिनेत्री है, लेकिन ऐसे ऐतिहासिक कैरेक्टर रोल करने आपको मिल रहा है, ये तुम्हारा सौभाग्य है राकेश सावंत। तो मैंने ये चैलेंज चुना, मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल। 15 अप्रैल को 1948 में सविता बाई की शादी हुई थी बाबा साहेब अम्बेडकर जी से, वो एक डॉक्टर थी। अंतिम सांस तक उन्होंने किस तरह से सेहत से लेकर कैसे उनकी उन्होंने मदद की, उस जमाने में क्या होता था कैसे, तो मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा और ये मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ मिताली जी का और हमारे प्रोड्यूसर साहब सबका, कि ये मुझे सौभाग्य मिला कि मैं ये रोल, चैलेंजिंग रोल करने जा रही हूँ पहली बार। और प्लीज मैं जनता से कहूंगी कि ये तालियां मेरे लिए, मेरे नसीब के लिए एक बार हो जाए। और मुझे आप सबका आशीर्वाद चाहिए, अठावले साहब जी का आशीर्वाद, कैलाश जी का, आप सबका आशीर्वाद चाहिए कि मैं ये रोल, जो इतनी महान हस्ती का, जो सविता बाई जो है उनका जो रोल, वो ईमानदारी से निभा सकूं। और डेफिनेटली मुझे पूरी उम्मीद है, कैलाश जी डायरेक्शन कर रहे हैं इस फिल्म का, जितनी भी सच्चाई, जितनी भी जो इतिहास हुआ है, वो सारी सारी सच्चाई वो फिल्म में, 2.5 घंटे की फिल्म में वो आपको दिखाए, वो आपको दिखाए वो सारी सच्चाई, कितने आंदोलन हुए, दलितों के साथ क्या हुआ, इतने महान हमारे नेता दलितों के मसीहा, जिन्होंने संविधान बनाया, जो लागू किया कानून, कैसे लागू हुआ, कितनी दिक्कत हुई, कितने कैसे ठुकराए गए, इतने पढ़े लिखे विद्वान, वो देखना बहुत जरूरी है। तो मैं चाहती हूँ आप सब लोग का आशीर्वाद ये पूरी फिल्म के साथ हो, हमारे साथ हो, और बस यही मेरे दो शब्द हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जय भीम। हमारे मध्य हैं हिंदू हृदय सम्राट परमादरणीय परम पूज्य श्री लाहिड़ी जी गुरु जी। मैं सारे सदन की ओर से आपको नमन करता हूं और मैं चाहता हूं कि सभी अतिथि मिलकर दीप प्रज्वलन करें। गुरु जी दीप प्रज्वलन करके हमें आशीर्वाद भी देंगे आप? ए रवि, रवि भाई, रवि भाई चलो नीचे। दीप प्रज्वलन का पवित्र कार्य हो रहा है। हमारे बीच हैं परम श्रद्धेय लाहिड़ी जी गुरु जी, हमारे बीच हैं पार्श्व गायक उदित नारायण जी, हमारे बीच हैं दलितों के मसीहा श्री रामदास आठवले जी, कहां गलत खड़ा कर दिया, हमारे बीच हैं मिलिंद जी मासूम, रवि
अभी क्या कर रहा है यार? मैं अरेंज किया। तो क्यों अकेला कर रहा है? इधर भी सब लोग कैमरा है ना। एक बार करतल धोनी के साथ आप भी इस दीप प्रज्वलन में उपस्थित हो जाएं। मैं चाहूंगा कि एक बार करतल धोनी के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं कि आप भी सदन में हैं। चलो हो गया, चलो चलो हो गया, चलो हो गया ना बस। एक बार जोरदार तालियां। सभी मान्यवरों से विनती है कि अपने आसन पर आसीन हो जाएं। तालियां एक बार और सभी की उपस्थिति के लिए और आपकी। अब हमारी फिल्म गॉड फादर ऑफ इंडिया इसकी क्लैपिंग का भी जो मुहूर्त का समय है वो भी आपके सामने है। उदित जी को भी कहीं जाना है तो मासूम जी क्लैपिंग करवा ही दीजिए। उदित जी क्लैपिंग करवा के जाइएगा आपको। कराओ जी कराओ। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी के जीवन संघर्ष पर आधारित फिल्म द गॉड फादर ऑफ इंडिया गुरु जी के हाथों से, रामदास आठवले जी के हाथों से, उदित जी की उपस्थिति में, राखी जी की उपस्थिति में इस फिल्म का मुहूर्त हो रहा है। एक बार तालियां बजाएं। दीप प्रज्वलन हो चुका, मुहूर्त हो चुका। मैं परम आदरणीय परम श्रद्धे दलितों के मसीहा श्री रामदास चलते उसमें घूम रहे हो फोटो लो बाद में लो जितने मजे लो। मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन एक फिल्म बनाई जा रही है कैलाश मासूम जी उसके डायरेक्टर है मिताली लवाटे उसकी प्रोड्यूसर है 58 लिखा हुआ ठंड में बोली जा रहा है और मिलिंद लवाटे उनको पूरा सहयोग दे रहे हैं लाहिरी गुरुजी जो पूरे भारत वर्ष में एक बहुत बड़े महाराज के रूप में एक सोशल वर्कर हो समाज को जोड़ने का काम हो गरीबों को बच्चों को मदद करने का काम हो मतलब इंदौर उज्जैन और कई जगह पर करते हैं राखी बोल रही उनके उपस्थिति में आज द गॉड फादर ऑफ इंडिया इस फिल्म का जो मुहूर्त है ये मुहूर्त यहाँ हो गया है। यहाँ राखी सावंत भी मौजूद है वो फिल्म में काम करती है आरपीए में भी काम करती है वो पहले फिल्म में काम करती थी अभी आरपीए में काम करती है कॉमेडी अभी मैं आरपीए में काम करता हूँ अभी मैं फिल्म में काम करने जा रहा हूँ मुझे मालूम नहीं था कि भाई मुझे एक रोल मतलब मुझे फिल्म के बारे में हमेशा अट्रैक्शन रहा है मैं मेरी
स्टूडेंट और कॉलेज के जीवन से मैं फिल्म पर बहुत ही ज्यादा फिदा हूँ और मैं कई नाटकों में भी मैंने काम किया है। मैंने एक मराठी फिल्म है अन्यायाचा प्रतिकार, उसमें एक टाइटल रोल भी मैंने किया है। तो अगर मैं रिपब्लिकन पार्टी में नहीं आता था तो शायद मैं राकेश सावंत के साथ ही मैं काम करता हूँ। ये कॉमेडी होगी उदित जी। उदित जी बड़े खुश हो रहे हैं और बहुत बार मुझे फिल्म के लोग बुलाते हैं। जब मैं पार्लियामेंट में जब मैं जाता हूँ तो मुझे सभी लोग कलरफुल एमपी बोलते हैं, मतलब एमपी कि मेरा कलर उतना ठीक नहीं है लेकिन मेरा ड्रेस बहुत कलरफुल होता है। और बहुत बार मतलब जब मैं मिनिस्टर भी था 5 साल महाराष्ट्र में, तो मेरे कपड़े ऐसे रहते थे कि मैं छपा वगैरह मतलब अभी कभी कभी पहनता हूँ, मगर मैं मेरे ड्रेस थोड़े अलग अलग होते हैं। तो बहुत बार जब मैं मुंबई से बाहर जाता था तो जब सिक्योरिटी वाले मुझे लेने के लिए आते थे तो कोई जब्बा डालने वाले आदमी के पीछे वो जाते थे कि भाई यही मंत्री है, और ऐसा होता था कि वो जब्बे वाला आगे पुलिस वाला उसके पीछे और मैं पुलिस के पीछे ढूंढते रहते थे। और मुझे मालूम होता था कि भाई मेरे लिए आया है तो मैं बाहर जाकर बोलता था मैं मंत्री उभर गया। ठीक है, वो बात नहीं है, मतलब मैं कोई ट्रेडिशनल लीडरशिप नहीं करना चाहता हूँ। मैं मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ, वो कुछ भी क्या भी करे। तो इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन पर ये फिल्म बनाने की एक बहुत ही अच्छी कल्पना, अभी जो आपने देखा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश का संविधान लिखा, बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म दलित समाज में हुआ वो उनकी गलती नहीं है, किसी का जन्म ब्राह्मण कम्युनिटी में हुआ, मराठा कम्युनिटी में हुआ, माली कम्युनिटी में हुआ या किसी कम्युनिटी में हुआ वो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि गुरु जी अपने देश में जब वैदिक धर्म था तब गांव गाड़ा चलाने के लिए 4 वर्ण सिस्टम को लाया गया। गांव को अगर अपने को चलाना है तो फिर कोई पढ़ाई करके मतलब दूसरों को सिखाने वाला कोई चाहिए, गुरु जी चाहिए, वो गुरु जी को ब्राह्मण बोलते थे। गांव की रक्षा करने वाले भी थोड़े मजबूत तो होना चाहिए, नहीं तो गांव पर कोई भी हमला करेगा। तो गांव की सुरक्षा करने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए, इसीलिए उसको गांव की सुरक्षा करने वालों को क्षत्रिय बोलते थे। गांव चलाने के लिए कोई दुकान चाहिए, तेल चाहिए, दाल चाहिए, शक्कर चाहिए, गुड़ चाहिए, तो फिर कोई दुकान चाहिए, तो इसीलिए वो दुकान चलाने वाला को वैश्य बोलते थे। और गांव अगर अपने को ठीक करना है तो गांव की सफाई भी होनी चाहिए, रोड भी साफ होना चाहिए, इसीलिए मतलब गांव की सफाई करने वाले को शूद्र बोलते थे। तो मतलब ये चातुर्वर्ण बने। और एक ऐसा पहाड़ी आवाज, एक गाना सुनने के बाद हर एक आदमी ने मतलब एकदम मंत्रमुग्ध होना चाहिए, संघर्ष करने के लिए तैयार होना चाहिए, और संघर्ष दूसरे का नुकसान करने के लिए नहीं, मतलब अपने न्याय के लिए संघर्ष होना चाहिए, दूसरे उनको दूसरे के ऊपर अन्याय करने के लिए तो नहीं। तो इसीलिए मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि फिल्म जल्दी से जल्दी बनेगी, इसके लिए भी आप लोगों ने कोशिश करनी है। हमारे अभिजीत रानी जी भी यहाँ मौजूद है, मराठा समाज के लीडर है, पत्रकार भी है, ट्रेड यूनियन के लीडर भी है, और अभी सरकार हमारी आ गई है, भाजपा शिवसेना वाले इकट्ठे आते कि नहीं, ये लोगों को बहुत बड़ा मतलब डर लगता था, लेकिन मुझे मालूम था ये दोनों को एक साथ आना है, नहीं तो फिर बहुत दूर जाना है, और ये दोनों को इकट्ठा आना ही था, नहीं तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के सपोर्ट पर ये बीजेपी की सरकार कितनी दिन चलती तो मालूम नहीं, लेकिन मैं अब लगातार एक महीने से मैं कोशिश कर रहा था, उद्धव जी से मिल रहा था, देवेंद्र फडणवीस जी से मिल रहा था, और दोनों ने एक साथ आना ही चाहिए, ऐसा मैंने हम लोगों ने कोशिश करने के बाद भी सरकार आई। तो जो भी कामगारों के सवाल है, दिल्ली में भी हमारी सरकार है, इधर भी हमारी सरकार है, अभी सब जगह पर हमारी सरकार है, तुम्हारी कहाँ है? तो सब जगह जम्मू कश्मीर में भी हमारी सरकार आएगी, झारखंड में भी हमारी सरकार आएगी, दिल्ली में भी हमारी सरकार आएगी, सब जगह पर हमारी सरकार आएगी, तो तुम्हारी कहाँ? तो सब जगह पर अभी सरकार अपनी आ रही है, इसीलिए मैं इतना ही बताना चाहता हूँ।
तो हमारी जो हमारी कोशिश पूरी जरूर अपने को ये करना है कि जब बुलंद होता है जय भीम का नारा, जब बुलंद होता है जय भीम का नारा, जाग जाता है भारत सारा। जब बुलंद होता है जय भीम का नारा, जाग जाता है भारत सारा। बाबा साहब अंबेडकर थे देश का चमकता हुआ तारा, बाबा साहब अंबेडकर थे देश का चमकता हुआ तारा। इसलिए मैं बजाऊंगा देश के दुश्मनों का बारा। तो मिलकर आगे बढ़ेगी, एक फिल्म जो है इसे जल्दी जल्दी तैयार हो बारा? और उसमें मैं क्या करता हूँ मैं तुमको बाद में बताऊंगा। थोड़ा मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, थोड़ा मोदी से बात करता हूँ और फिर ठीक है वो बात नहीं है। लेकिन इसीलिए यहाँ सब लोग आप लोग आए और एक अच्छा प्रोग्राम जो है हुआ है, तो ये फिल्म जल्दी से जल्दी बने। और मिलिंद लवाटे जी एक अच्छे मतलब उनके पास पैसा तो है ना, पूरा पैसा है तो ठीक है ना। मतलब अभी फिल्म अपने को बनानी है तो एक अच्छी एक फिल्म मतलब अपने शुरू में जो भी मतलब दिखाया वो अलग से थोड़ा सा मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी पर जब्बार पटेल जी ने फिल्म बनाई है और वो भी फिल्म मतलब कुछ दिन से ली, लेकिन इस फिल्म में थोड़ा अलग अलग एंगल से अगर आप ये फिल्म को आगे अच्छा ये करते हैं और अगर मैं काम करूंगा तो फिल्म अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं काम करूँगा बिल्कुल नहीं। मतलब इसीलिए मतलब आप अच्छा। और राखी जी बाबा साहब अम्बेडकर जी के डॉक्टर सविता अम्बेडकर माई साहब अम्बेडकर मतलब उनका और मेरा बहुत ही नजदीक का संबंध था। मतलब मैं जब सिद्धार्थ हॉस्टल में रहता था तो माई साहब अम्बेडकर जी को हर जगह पर ले जाने का काम मैंने किया है। और इसीलिए अगर राकेश सावंत अगर माई साहब का रोल अगर कर रहे हैं तो मैं इनको भी सब जगह पर ले जाने को माई साहब अम्बेडकर मुझे अपना माई साहब अम्बेडकर मुझे दत्तक भी लेने का विचार था और मेरा आठवले का नाम अम्बेडकर हो सकता था, लेकिन अगर उन्होंने मुझे दत्तक नहीं लिया तो आप ले लो। ठीक है, तो इसीलिए आपका भी रोल बहुत अच्छा उसमें होगा। और इसीलिए हमारे महाराज भी आए हैं और महाराज के बारे में हमको बहुत बड़ा स्मृति है। जरूर तो बुद्धिस्ट है लेकिन सर्वधर्म समभाव की भूमिका, बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान की भूमिका, एक दूसरे ने एक दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए। अगर विचार थोड़े अलग अलग हो सकते हैं लेकिन देश अपना एक है और धर्म से देश सबसे बड़ा होता है, समाज से देश बहुत बड़ा होता है, गांव और जिले से देश बहुत बड़ा होता है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने नेशनल इंटीग्रिटी की शिक्षा हमको सिखाई है और मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी का सच्चे अनुयायी हूँ। मैं संघर्ष भी करता हूँ, मैं शांति भी रखता हूँ और मैं क्रांति भी करता हूँ। और इसीलिए मतलब हम सब लोग जो इसी तरह बाबा साहब की विचारधारा को आपने इस फिल्म में आगे लाने की कोशिश करनी है। बाबा साहब को पूरी दुनिया में लोग मानते हैं, भारत में सभी जाति के लोग मानते हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। और आज हर एक मंत्री आज आपने तो देखा होगा शपथ विधि में मैं संविधान का आदर करता हूँ, मैं संविधान का मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, बाद में कुछ भी करते हैं। संविधान का आदर करने की भूमिका अग्रणी पड़ती है, नहीं तो मंत्री नहीं होता है। तो संविधान का भारत खड़ा करने के लिए, सर्वधर्म समभाव का भारत खड़ा करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसमें जो भी योगदान देना है वो योगदान जरूर देने का काम हम करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय महाराज। रामदास जी ने भगवान बुद्ध पर, बाबा साहेब आम्बेडकर और गांधी जी के जीवन पर बहुत सारे गहरे रहस्य का लोगों को जानकारी दी है। मैं एक बार फिर गुरु जी के सामने मैं श्री मिलिंद लवाटे जी से कहूंगा कि अभिजीत राणे जी का पुष्प गुच्छ और स्वाल देकर के स्वागत करें। श्री अभिजीत को दर्शन कराएं। एक साथ ले लीजिएगा जो सब लगाओ।
आज इस्कॉन ऑडिटोरियम में द गॉडफादर ऑफ इंडिया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए फिल्म बनने जा रही है, और ये बहुत ही खुशी की बात है कि ऐसे महान पुरुष के लिए अगर फिल्म बनाया जाता है तो हम सब के लिए गर्व की बात है, और ऐसे महान पुरुष के लिए फिल्म बननी भी चाहिए। पहले भी बनी होगी, लेकिन अभी जो फिल्म बनेगी वो हमारे कैलाश मासूम जी के डायरेक्शन में, और जो टीम है बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म बनेगी। मेरी शुभकामनाएं हैं और मज़ा आएगा। सर, आप कुछ गाने वाले आपकी मन से जताएगी? बिल्कुल गाऊंगा, क्योंकि ऐसे महान पुरुष के लिए अगर मैं नहीं गाऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा, मतलब मुझे मज़ा नहीं आएगा। मुझे बिल्कुल गाना है, और कैलाश जी मेरे दोस्त हैं, और इस द गॉडफादर ऑफ इंडिया जो फिल्म बनने जा रही है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर, इसके पूरे टीम को मैं शुभकामनाएं देता हूं, और मुझे उम्मीद है कि फिल्म भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी और मैं भी गाऊंगा इस फिल्म में। अम्बेडकर तेरा है बलिदान, याद करेगा हिंदुस्तान। अम्बेडकर तेरा है बलिदान, याद करेगा हिंदुस्तान। देना यार, क्या करना? तो यहाँ मत करो, कैलाश जी। हाँ बोलिए सर। ये फिल्म बाबा साहब अम्बेडकर उनके जीवन पर आधारित है, जो बहुत जल्दी फरवरी तक हम लोग स्टार्ट करेंगे, गॉडफादर ऑफ इंडिया। नहीं, वही चीज़ जो आप देख चुके हैं वही चीज़ हमने वापस रिपीट नहीं करेंगे, जो आप अब जो लोग नहीं जानते उनके बारे में, और कुछ चीज़ें जो मुद्दे हैं वो तो दिखाने पड़ेंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे पहलू हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में नहीं जानते, उन चीज़ों को हम लोग ज़्यादातर इसके अंदर ले करके आ रहे हैं। अभी तो स्टार कास्ट के बारे में तो कहना फिलहाल मुश्किल है कि बाबा साहब अम्बेडकर के रोल के लिए कौन, अभी हमारा प्रयास चल रहा है, लेकिन अभी अभी जैसे बताया कि राखी सावंत जी बाबा साहब अम्बेडकर की जो सेकंड वाइफ थी सविता बाई जी, उनका रोल कर रही हैं, और रामदास अठावले जी भी इसमें साहू जी महाराज के रोल के लिए हमने बोले हैं, तो उसके अलावा कोई ना कोई एक बड़ा ही बाबा साहब अम्बेडकर के रोल के लिए हम बड़ा स्टार कोई भी इसमें रखें। नहीं, अंग्रेजी और हिंदी का तो हम साथ में शूटिंग करेंगे, सेम डायलॉग, बाकी जो भाषा है उनमें हम लोग डबिंग करेंगे। लोकेशन हमारा सब पार्लियामेंट है, बड़ौदा है, कोल्हापुर, पूना, सोलापुर, मुंबई, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी, वहाँ पर जो रियल पैलेस है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जहाँ पढ़ाई की, जहाँ मेहनत की, जहाँ वर्क किया, वो तमाम चीज़ें जो पैलेस है, जो जगह हैं, वहाँ पर करेंगे इसकी शूटिंग। फिल्म का म्यूजिक तो है, बिना म्यूजिक के तो बात नहीं बनेगी, लेकिन म्यूजिक वो किस तरह का होगा, और उस दौरान जब ये फिल्म बहुत साल पहले की है, लगभग 100 साल पहले की कहानी है, तो उस टाइप का म्यूजिक, वो चीज़ें कैसे बैठेगा, क्या होगा, वो अभी सब डिसाइड करना बाकी है। फरवरी में हम लोग इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर देंगे, फेब के लास्ट में, और इसमें बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी बीच बीच में, कि एक इंटरनेशनल सब्जेक्ट है, इंटरनेशनल आपको न्यूज़ भी मिलेगी, ये आप देखेंगे कि बहुत जल्दी हम चौंकाने वाली एक न्यूज़, जब फिल्म का मुहूर्त करेंगे तो दिल्ली में आपको बहुत बड़ी न्यूज़ मिलेगी, बहुत बड़ी न्यूज़, जो आज तक वो न्यूज़ कहीं आई नहीं है, आज तक आई भी नहीं है, और वो शायद टाइम्स ऑफ इंडिया की फ्रंट पेज की खबर हो, तो इस तरह की एक न्यूज़ हमने अभी बताना नहीं चाहते, तो जब ओपन करेंगे, फिल्म की ओपनिंग करेंगे, तो वहाँ पर वो चीज़ रखेंगे। सर, साथ ही युवाओं के लिए आप क्या? ये फिल्म पूरा यूथ के लिए ही है, अगर यूथ चाहे तो देश बदल सकता है, यूथ के हाथ में पावर है, यूथ के हाथ में पूरा हिंदुस्तान की कमान है, और अब जब तक कि यूथ आगे नहीं आएगा, देश कचरे में जाएगा, जैसे आपने देखा है कि माननीय मोदी साहब ने भी जो पुराने लोग थे मंत्रिमंडल में, वो सब किनारा क्यों किए, क्योंकि अब यूथ का जमाना है, नए लोग, अभी बाबू सुप्रियो को मिनिस्टर बना दिया, राज्य हर्षवर्धन जी को बना दिया, तो ये अब यूथ का जमाना है, देश को आगे लेकर के
अभी यूथ चलेगा और उसी हिसाब से फिर ये हम लोगों ने किया है। मैं चाहता हूँ कि जो हमारी फिल्म की प्रोड्यूसर हैं मिताली जी, आप प्लीज़ किस तरह से वो मेरा सपोर्ट कर रही हैं और कैसे उन्होंने हामी भरी, वो एक बड़ी बात है एक ऐसे सब्जेक्ट के लिए। हाँ, और ऐसे सब्जेक्ट के लिए ये तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है मैं तो कहूँगी। और ज़रूरी नहीं है कि आदमी के पास पैसा होना चाहिए, आदमी के पास जिगर होना चाहिए जिसको ये चीज़ बना सके। आज ये महान व्यक्ति ने इतना बड़ा काम किया है उसके लिए कोई सोचता नहीं आज के तारीख। बड़े बड़े भाषण तो बहुत देते हैं लोग, लेकिन करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। कोई आगे आके करने की चाहत रखते हैं और हमें ये सौभाग्य मिला है, ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। कोई बात नहीं है, कोई शक नहीं है उसमें। अब इतने महान व्यक्ति ने उन्होंने जो किया वो तो ये इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है, तो हम जो चीज़ करेंगे वो तो बहुत बड़े पैमाने पे करेंगे। और हमारी यही इच्छा रहेगी और हमारी ये कोशिश रहेगी इन पर कि हम जितना उसमें ज़्यादा जान डाल सकें उस मूवी में वो डाल सकें।